वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो भी क्वेश्चन लैंग्वेज वाला दिया गया उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आखिरकार ये लैंग्वेज वाला देखिए क्वेश्चन आपसे बनेगा क्योंकि आप ग्राफ बनाना सीख चुके हैं। अगर नहीं सीखे तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, उसमें डीपली ग्राफ डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो देखने के बाद बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है, प्लेलिस्ट जाकर के खोल के पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का चेक कीजिएगा, लाइन बाई लाइन एक एक क्वेश्चन बताया गया है। इसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में जो भी रैखिक समीकरण बनेगा, अभी रैखिक समीकरण बना नहीं है, रैखिक समीकरण का मतलब लीनियर इक्वेशन अभी बना नहीं है, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद से समीकरण तैयार होगा। अब वो समीकरण को किस मेथड से हल करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा उसको बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि बनाने के लिए हमारे पास 2 समीकरण होना चाहिए और यहां पे समीकरण नहीं लैंग्वेज में दिया है क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। कह रहा है 2 ठो कोई नंबर है, मान लीजिए कि एक 5 हो गया, कुछ देर के लिए मान लीजिए कि एक 5 हो गया, एक 10 हो गया। ठीक है, अब दोनों नंबर के बीच का अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, 26 है। अब वैसे 5 और 10 का अंतर 26 नहीं है, मान लीजिए कि ये 5 नंबर हो गया, एक 10 नंबर हो गया। यहाँ जैसे कि बोला है कि 2 संख्याओं के अंतर क्या है, दो नंबर यहाँ पे संख्या है, दोनों के बीच का अंतर 26 दिया है। तो यहाँ आप लोग कोई भी 2 नंबर मान लीजिए और दोनों का अंतर माने इसके बीच में कौन कौन का अंतर, तो इसके बीच में 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 का अंतर है, घटा के देख लीजिए 10 में से 5 जाएगा 5, यानी 5 गो का अंतर है, कितना का अंतर है 5 गो का। लेकिन यहाँ पे तो 2 नंबर दिया ही नहीं है, हम तो आपको बता रहे हैं जैसे एग्जाम्पल मान करके ना। ठीक है, तो यहाँ नंबर नहीं दिया है, तो एक संख्या को x मानिए, दूसरे संख्या को y मानिएगा, दोनों को घटाने के बाद से अंतर कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। x y हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ संख्या नहीं दिया है। ठीक है, यानी लेट बी फर्स्ट नंबर इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू y। यहाँ लिखिएगा माना कि पहली संख्या या बड़ी संख्या भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए एक वो बड़ा रहेगा एक वो छोटा रहेगा, तब ना दोनों का अंतर बीच में कितना का अंतर रहेगा, मान लीजिए कि एक हो जाएगा आपका 30 और एक वो अगर हम मान लें आपका 4, तो घटाइएगा अगर तो दोनों में के बीच का अंतर कितना है, देखिए तो 4 में और 30 में कितना का अंतर है बीच का, तो देखिए 26 वो का अंतर है। वैसे इतना आंसर नहीं आएगा, हम ऐसे ही समझने के लिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये एक वो बड़ा एक वो छोटा रहेगा, तो पहली संख्या को हम एक्स मान रहे हैं और दूसरी संख्या को हम मान रहे हैं, सेकेंड नंबर को हम मान रहे हैं वाई। ठीक है, क्या मान रहे हैं, वाई। और दोनों का अंतर कितना है, तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से या कंडीशन 1, प्रश्न से दोनों का अंतर आपको दिया है 26। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार यहाँ फिर लिखिए, इस प्रकार पहला संख्या x है दूसरा संख्या y है, मतलब पहला कुछ होगा दूसरा कुछ होगा, ये दोनों को घटाने के बाद कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, आ कह रहा है कि पहला वाला पता है क्या कितना संख्या है, दूसरे संख्या का अगर आप 3 गुना करेंगे तो पहला वाला संख्या के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि ये वाला अगर x है और ये वाला y है, ये दोनों में अगर पहला वाले को 3 से गुना कीजिएगा तो दूसरा वाला संख्या मतलब ये वाला बराबर होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं प्रश्न से x बराबर 3y, इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2। ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, यानी कि पहला नंबर 3 गुना होगा, दूसरे नंबर का 3 गुना कीजिएगा तो पहला नंबर वो मिलता है, तो दूसरे नंबर का हमने 3 गुना किया पहला नंबर मिल गया। अब बताइए 2 ठो आपके पास समीकरण बन गया, तो जब 2 ठो समीकरण बन गया तो क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि, ए ओ का मान दूसरे में ले जाके भर दीजिए, तो यहाँ तो एक्स का मान दिया है कितना 3y, ले जाके भर देना है इसमें। यहाँ पर लिखिएगा एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पर भरने पर एक्स माइनस वाई बराबर 26, एक्स का मान क्या है 3y है, यहाँ पे 3y माइनस में y बराबर 26, ये 3y में से 1y जाएगा तो 2 ठो y बचेगा 26, कटाइएगा तो हो जाएगा 2, 13 हो जाएगा, y बराबर आपका हो जाएगा 13। y का मान कितना आ गया आपका 13 आ गया, जब y का मान 13 आ गया तो ले जाके y का मान भर लीजिए, x का मान निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखिएगा y का मान समीकरण 2 में किसी में रखिएगा, आंसर वही आएगा 2 में रखने पर। ठीक है, y क्या है, यहाँ पे देखिए समीकरण 2 है, x बराबर 3y, 3 इंटू
फिर एक्स बराबर थ्री, वाई का मान कितना है 13 आया है, वाई का जगह पर 13 भरिएगा, एक्स बराबर 13 दिया 39, एक्स बराबर कितना गया 39, यानी कि पहला नंबर आपका 39 है, यानी 39 है, एक्स पहला नंबर माने है ना, और दूसरा नंबर आपका 13 है, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं ऐसे करके एक्स बराबर 39 और वाई बराबर आपका 13। देखिए दोनों के बीच का अंतर जब कीजिएगा ना, ठीक है, तो आपका 26 आएगा, करके देख लीजिए ना, 39 में से 13 जब घटाइएगा तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, 26 ही तो आए, ठीक है, तो यही आपका दो नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो बिना देर किए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 3.3 का ये जो 3 का 2 नंबर क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान है। देखिए मैथमेटिक्स भारी नहीं होता है, थोड़ा सा भी टफ नहीं होता है, समझने और समझाने का तरीका अलग होता है। ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा गया है, देखिए द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज, यानी 18 डिग्री, मतलब क्या बोल रहा है, ठीक है, कि कह रहा है कि दो संपूरक कोण, संपूरक कोण आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल कहते किसको है, देखिए जब दो कोण को जोड़ा जाए, मान लीजिए कि एगो 20 डिग्री है एगो और कोई डिग्री, और दोनों कोण को जोड़ने के बाद 180 डिग्री आ जाए तो उसे हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि संपूरक कोण कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा था कि जब दो कोण, मान लीजिए कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है तो जाहिर सी बात है इसमें दो कोण आएगा, और जब दो कोण आएगा तो कह रहा है कि बड़ा नंबर, यानी पहला वाला नंबर बड़ा है दूसरे वाले से 18 डिग्री बड़ा है, कितना बड़ा है 18 डिग्री, और वो दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। फिर से एक बार समझिए, क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल में, सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, जब दो कोणों को जोड़ने पर कितना डिग्री आ जाए 180 डिग्री आ जाए, उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि दो कोण, मान लीजिए कि एक यहाँ पे अभी पता नहीं है हमको कोण, ठीक है, और ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए, उसी को तो हम लोग सप्लीमेंट्री यानी संपूरक कोण कहते हैं। अब ये कितना कितना नंबर है यही पता नहीं है, मान लीजिए कोई लड़का बोलेगा 90 तो हाइयो 90 हो जाएगा, कोई बोलेगा ये 80 तो ये हो जाएगा 110, तभी ना दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 180, कुछ भी भरिए जोड़ने के बाद 180 आना चाहिए। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि पहला जो नंबर है वन नंबर, ये जो पहला नंबर है ये दूसरे नंबर से 18 डिग्री ज़्यादा है, यानी कि इससे ही 18 डिग्री ज़्यादा है, ये दोनों नंबरों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको कोनो कोण नहीं मत, ना ये छोटा वाला पता है ना बड़ा वाला पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये अगर छोटा वाला है तो इससे 18 डिग्री ज़्यादा ई वाला है, ठीक है, दो कोण, और दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, बड़ा वाला को मानते हैं एक्स, छोटा वाला को वाई मानते हैं। यहाँ पर लिखते हैं माना कि संपूरक कोण का बड़ा कोण लिख सकते हैं, या फिर माना कि बड़ा कोण, बड़ा कोण यानी कि लार्जर एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और यहाँ पे छोटा कोण क्या हो जाएगा, छोटा कोण हो जाएगा y, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से पढ़िए, अब बोल रहा है कि बड़ा वाला जो कोण है छोटा वाला से 18 डिग्री ज़्यादा है, मान लीजिए कि ये बड़ा वाला कोण है, छोटा वाला में अगर 18 डिग्री जोड़िएगा तो बड़ा वाला मिल जाएगा। कुछ देर के लिए आपको हम बोलें कि मान लीजिए कि ये दो है और यहाँ पे हो गया 6, हम बोले कि इसमें छोटा वाला में अगर आप 4 जोड़ दीजिएगा तो बड़ा वाला मिल जाएगा, तो 4 जोड़ रहे हैं तो मिल रहा है कि नहीं, इसके क्या हो जा रहा है बराबर आ जा रहा है। वैसे ही यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर छोटा नंबर में कितना बढ़ा दें हम लोग से अधिक, यानी कितना अधिक कर दे 18 डिग्री अधिक कर दे तो बड़ा वाला मिल जाएगा, तो y में हम लोग क्या जोड़ दे 18 डिग्री तो क्या मिल गया बड़ा वाला। ये प्रश्न से लिखिएगा, प्रश्न से वही बोला था कि बड़ा वाला नंबर क्या है, बड़ा है, कितना बड़ा 18 डिग्री ज़्यादा है छोटा वाले से, तो छोटा वाले में 18 डिग्री जैसे ज़्यादा किए तो बड़ा वाला नंबर मिला कि नहीं, देखिए तो y प्लस 18 इतना बराबर क्या है x, यानी x बराबर लिखा है y प्लस 18, ये समीकरण हो गया एक, ठीक है। और संपूरक कोण किसे कहते हैं, तो दो कोण को जोड़ने के बाद 180 डिग्री आए, तो पहला कोण ये है दूसरा कोण ये है, तो यहाँ दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा, यहाँ देखिए दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह क्या होता है संपूरक होता है, ठीक है। तो जोड़ दीजिए दो कोण है x प्लस y बराबर 180, समीकरण
दो। इसको कौन से विधि द्वारा बनाना है तो आपको बता दिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। x का मान यहां पे निकल चुका है, ले जाके x के जगह पे भर देंगे, x बराबर क्या है y प्लस 18, ये चीज ले जाके यहां भर देंगे फिर यहां से निकल जाएगा। इसी को तो हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, यहां पे है x प्लस वाई, ऐसे लिखिए x का मान समीकरण दो में रखने पर, प्रतिस्थापन विधि यही है, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, x का मान कितना है y प्लस 18, अब प्लस में y बराबर 180 डिग्री, एक वाई कितना वाई 2y, अब प्लस में 18 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखिएगा 2y, ये प्लस में है, नंबर को नंबर के पास भेजिए, एक जात को एक जगह, प्लस में इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो 180 और माइनस में 18, 2y बराबर 10 में से 8 जाएगा तो होगा 2, ये बचेगा 7 में से 1 जाएगा 6, ये हो जाएगा y बराबर 162, ये आ जाएगा बट्टा में 2 8 16 और 2 1 2, यहाँ पे आपका आ गया y बराबर कितना 1 आ गया, y बराबर 81, y बराबर क्या आया 81। अब एक काम कीजिए, y का मान ले जाकर समीकरण एक में भर दीजिए तो x का मान निकल जाएगा, किसी में भी भर सकते हैं। देखिए जब एक ठो वैल्यू निकल आया तो दोनों में से किसी में इक्वेशन में भरोगे ना आंसर आपका निकल ही जाएगा। हम इसमें भरते हैं क्योंकि यहाँ ले जाकर y जहाँ है वहाँ क्या भर देंगे 81 भर देंगे, या दोनों को जोड़ देंगे तो x बराबर भी निकल जाएगा। y का मान समीकरण एक में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा x बराबर समीकरण एक यही तो है, और x बराबर y का मान कितना है 81 प्लस 18 है, और ये जोड़िएगा तो 8 और 1 9 आपका ये कितना हो जा रहा है 99 हो जा रहा है। ठीक है, ये 18, तो x बराबर, अब देखिए यहाँ आप मिलाइएगा क्या, यहाँ आपका आया है y बराबर 81, यहाँ पे आया है x बराबर 99, तो देखिए बड़ा वाला नंबर 99 हो जाएगा और छोटा वाला नंबर 81 हो जाएगा। 81 में क्या उस समय हम आपको बोले थे कि छोटा वाला नंबर क्या बड़ा वाला नंबर 18 को ज्यादा है, 18 ही को तो ज्यादा है, 81 में 18 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, अगर आया हो तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग देखते हैं बिना देर किए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये कैसे बनेगा, ये भी बहुत आसान है। देखिए अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो आपसे क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में बन जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ बोल रहा है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3,800 रुपीज। इसका मतलब कह रहा है कि वो क्रिकेट जो होता है, क्रिकेट टीम में एक कोच होता है, कोच का मतलब जो बैट बॉल आपको सिखाता है, ठीक है, उसी को कोच बोलते हैं, ठीक है, ट्रेनर को बोलते हैं समझिए। तो कोच है तो वो क्या करता है, 7 को बैट खरीदा है और 6 बॉल खरीदा है। ठीक है, यानी 7 को बैट खरीदा है और 6 गेंद यानी बॉल खरीदा है, कितना रुपए में 3800 रुपए में। ये पता हमको नहीं है कि एगो बल्ला का दाम कितना है, यानी कि एगो जो बैट होता है उसका दाम कितना और एगो बॉल का दाम कितना है, लेकिन यहाँ पे आपको ये जो भी बैट है, ठीक है, इका गो है बाबू 7 गो है, और यहाँ जो बॉल है, ठीक है, इका गो है 6 है, तो 7 बल्ला आपका और 6 जो बॉल है, गेंद है, इन दोनों का दाम मिला करके, दोनों मिला करके कितना है 3800 रुपये है, मिला करके कितना है 3800 रुपये इसको कोच को देना पड़ा है। उसके बाद क्या है, लेटर फिर बाद में सिवाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर 1750, यानी फिर बाद में क्या हुआ है कि वही कोच मान लीजिए कुछ देर के लिए 3 बैट और 5 बॉल खरीदा है, वो कितना 1750 रुपये में। ये पता नहीं है कि एगो बैट और एगो बल्ला मतलब कि बॉल का दाम कितना है, ठीक है, लेकिन 3 गो ये और 5 गो ये तो दोनों मिलाकर के दाम इसको कितना देना पड़ रहा है दुकानदार को, और 1750 रुपये, और 7 गो बैट और 6 गो बॉल दोनों को मिलाकर के कितना देना पड़ रहा है 3850 रुपया। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि बताइए कि एगो बॉल और एगो बल्ला जो है आपका कितना दाम का पड़ेगा, एक एक का दाम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको गौर से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को पता नहीं है कि एगो बॉल का दाम कितना है, एगो बैट का दाम कितना है, ठीक है, तो एक मानना पड़ेगा, माना कि एक
बल्ला का दाम कितना हो जाएगा, एक्स रुपीस, ठीक है। और तथा एक गेंद का दाम, कॉस्ट ऑफ वन बॉल कितना हो जाएगा, वाई रुपीस। यहाँ लिखिएगा प्रश्न से, प्रश्न से क्या है बाबू। तो देखिए, एक बल्ला का दाम अगर एक्स रुपया है तो सात गो बल्ला का दाम सात एक्स हो जाएगा। और हम आपसे बोले कि एक बल्ला का दाम दो रुपया है, माने एक गो बैट का दाम वैसे दो रुपया नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए कि एक गो बल्ला जो है उसका दाम दो रुपया है, तो सात गो बल्ला का दाम कितना हो जाएगा, सात दूना चौदह, सात से गुणा कर देंगे तो सात दूना कितना हो जाएगा, चौदह। वैसे ही अगर एक गो बल्ला का दाम हम एक्स रुपया रखें तो सात गो बल्ला का दाम कितना हो जाएगा, सात एक्स हो जाएगा। तो प्रश्न से सात एक्स, सात गो बल्ला का दाम और छः बॉल का दाम, ठीक है। तो बॉल है वाई और दोनों का दाम मिलाकर के कितना है, अड़तीस सौ रुपये है। ये बन गया आपका समीकरण दो। फिर उसी प्रकार ये भी, कितना बैट है यहाँ पे, थ्री बैट है, थ्री एक्स हो जाएगा। अब बल्ला है पाँच, तो फाइव वाई हो जाएगा। ये दोनों को मिलाकर के सत्रह सौ पचास रुपया है। जब आपके पास दो ठो समीकरण तैयार हो गया, इसको बनाना है प्रतिस्थापन विधि से, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक का मान निकालेंगे, दूसरे समीकरण में भर देंगे, या यहाँ से x का मान निकालो इसमें भर दो। मान कैसे निकालते हैं हम लोग, पिछले आप देखिए, अगर वीडियो प्रीवियस ईयर प्रीवियस वाला आप नहीं देखे हैं, यानी इससे पहले वाला एक्सरसाइज आप जाके नहीं देखें, उसमें पूरा का पूरा मैथड हम बताए प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, एक एक डाउट को हम क्लियर किए हैं। तो जा करके आप प्लेलिस्ट खोल करके जाकर देख सकते हैं लाइन बाय लाइन। अगर बेहतर मैट्रिक के मैथमेटिक्स का तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट खोल करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए हम निकालते हैं, यहाँ प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, समीकरण दो से चलेंगे हम, क्योंकि देखिए ये बड़ा थोड़ा सा है, अड़तीस सौ है, तो कटाने उटाने में परेशानी आएगा, इसीलिए आप दो से चलिए, सत्रह सौ पचास समीकरण एक से। लेकिन आपकी मर्जी, जिससे मन करे उससे चल सकते हैं आप। यहाँ लिखा है थ्री एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू सत्रह सौ पचास, एक्स का मान निकालिए। तो देखिए जिस चीज़ का मान निकालते हैं ना, जिस चीज़ का वैल्यू निकालते हैं उसको अलग करते हैं। एक्स को यहीं पे छोड़िए, इसको पहले भेजिए, फिर तीन को भेजिएगा। एक्स का मान निकालना है ना, तो एक्स को अलग रखना पड़ेगा। सत्रह सौ पचास माइनस फाइव वाई, ये किस में है, इंटू में है, इधर आएगा तो बट्टा में। एक्स बराबर हो जाएगा सत्रह सौ पचास माइनस फाइव वाई अब बटा में तीन, एक्स का मान आ गया। जिसका मान निकालना हो उसको अकेले छाटना पड़ता है। देखिए तो अभी ये अकेले हो गया कि नहीं, अगर यहाँ वाई का मान निकालना होगा तो इस सबको भेज देते इधर, अकेले वाई बच जाता, ठीक है। एक्स का हो गया, अब एक्स का मान को ले जाके समीकरण एक से ये बनाए थे ना, एक्स के मान को दो, यहाँ समीकरण दो लिए हैं, यहाँ पे आपका दो है, ठीक है। तो x के मान ले जाके इसमें भर दीजिए, किसमें, समीकरण एक में, तो आ जाएगा आपका, उसी को तो प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं x का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। एक क्या है, 7x एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू ना सेवन। एक्स का मान क्या है, तो x देख लीजिए यहां पे यही है, x का मान आपके पास है सत्रह पचास, एक्स सेवन का सेवन लिख दिए, x का मान भर रहे हैं, माइनस फाइव वाई अब बट्टा में तीन, ये x का मान था, ठीक है। और प्लस में ये सेवन लिख दिए, x का मान लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए, सिक्स वाई इज इक्वल टू अड़तीस सौ, अड़तीस सौ डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, यहाँ देखिए ब्रैकेट के बाहर सेवन है, तो सेवन में देखिए जो भी ब्रैकेट के बाहर नंबर आता है, जैसे एक्स प्लस टू ऐसे नंबर है दो, ठीक है। तो दो में, दो से सब में गुणा करते हैं, जहां तक ब्रैकेट होगा, यहाँ अगर जहां तक आपका ब्रैकेट होगा, यहां से लेकर दो में सबसे गुणा करते हैं, क्योंकि ये दो होता है ना, ये सब पर इसका अधिकार होता है। ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है, अंदर वाले सब में गुणा होता है। तो देखिए, तो ब्रैकेट के बाहर सेवन है, तो गुणा कीजिए इसमें, पहले हो जाएगा ये गुणा कीजिएगा जीरो, सात पचास पैंतीस के पाँच, हाथ में तीन, सात सत्ते उनचास, पचास इक्यावन, बावन के दो, हाथ में लगा पाँच, सात एकम सात और पाँच बारह, इतना आया। और माइनस है तो माइनस, फिर सात पचे पैंतीस वाई, अब बट्टा में यहाँ पे क्या हो जाएगा तीन, अब प्लस में सिक्स वाई बराबर में अड़तीस सौ पूरा का पूरा, ठीक है। अब यहाँ क्या कीजिएगा, आप एक काम कीजिए, प्लस ऐसे लिखिए, बट्टा एक मान के बट्टा का जोड़ कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री, ये हो जाएगा बारह पच्चीस, ऐसे लिख दीजिएगा, माइनस पैंतीस वाई
और प्लस ये भाग दीजिएगा तो होगा 3 6 3 18 भाई बराबर में 3800। ठीक है, ये देखिए तो एक जात का कौन कौन है, माइनस में 35 वाई या प्लस में 18 वाई, घट जाएगा। जब एक प्लस एक माइनस में रहता है तभी घटता है। 18 में से 35 जाएगा तो आपका 17 बचेगा, माइनस में आपका बचेगा 17 वाई या बट्टा में 3 और बराबर में 3800। जब बीच में देखिए, जब कुछ समझ में आपको नहीं आ रहा है कि इसके बाद क्या करें, तो बीच में अगर बराबर है तो तिरछा तिरछे गुणा कर दीजिएगा। इसमें गुणा करिएगा, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, एक रहता है तो क्या फ़ायदा गुणा करने से, इसको गुणा कीजिए, हो जाएगा आपका 1200 इतना और ये आपका इतना, फिर गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0 0 8 3 24 4 हाथ में 2 और हो जाएगा 8 3 24 3 3 9 2 11। ठीक है, एक जात को एक जगह भेजिए, ये है आपका किस में, प्लस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, 17 वाई बराबर हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा 122 50 माइनस 17 वाई। कटाइए इसको, घटाइएगा तो कितना होगा, यहाँ घटा के देख लीजिए, 1250 में से 1 1 4 0 0 घटाएंगे, ये आपका हो जाएगा 0 5, 12 में से 4 जाएगा 8, ये आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, दोनों खत्म हो गया तो बच कितना गया, 850 माइनस, माइनस से माइनस कर दो, 17 5 85 0 बच गया, वाई बराबर कितना आया, 50 आया। यहाँ क्या माने हैं आप, वाई बराबर गेंद का, एक गेंद का दाम कितना आया, एक वो गेंद का दाम 50 रुपया, तो देख लीजिए कौन वो गेंद यहाँ पे है, उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। अब वाई का मान लीजिए कि किसी भी समीकरण में भर दीजिए, आपके पास समीकरण की कमी नहीं है, यहाँ भी आपका समीकरण दिया गया, ये बट्टा मत समझिएगा, और यहाँ भी समीकरण, दोनों में किसी में वाई का मान वैल्यू भरिएगा, यहाँ पे किसका मान निकल जाएगा, एक्स का मान निकल जाएगा। हम यहाँ पे काम करते हैं, वाई का मान ले जाके समीकरण 2 में भरते हैं, या फिर ये जो हम निकाले हैं ना इसमें भी ले जाके भर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हम 3 मान लें, समीकरण 3, ठीक है, तो इसमें भी भर दीजिएगा, डायरेक्ट यहीं पे भरना पड़ेगा, तो भरिए यहाँ पे वाई का मान समीकरण 3 में भरने पर, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, यहाँ देखिए समीकरण 3 क्या है, तो 3 है एक्स इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अब बट्टा में लिखा है 3। यहाँ देखिए x ये है 1750 माइनस 5, y का मान कितना आया है 50, तो यहाँ लिख दीजिएगा 50 अब बट्टा में 3। ये देखिए 1750 माइनस, गुणा कीजिएगा तो 50 25 250 हो जाएगा, अब बट्टा में हो जाएगा 3। 1750 में से अगर 250 जाएगा यानी आपका बचेगा यहाँ पे 1500, अब बट्टा में हो जाएगा 3, 5 3 5 15 दो को 0 बैठ जाएगा यहाँ पे है, तो कितना आ गया 500, आपका x बराबर आ गया 500। देखिए एक बल्ला का दाम आपका कितना है, यानी कि जो बैट होता है उसका एक बैट का दाम 500 रुपया था, एक सुसी को तो माने हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ जो लिखा है आपका बॉल, वाई बॉल माने हैं, तो एक बॉल का दाम 50 रुपया, वो लगभग आज भी है, लगभग कम से कम तो एक बल्ला 500 में मिलेगा ही, एक बॉल 50 रुपया में मिलेगा ही। ठीक है, तो इस हिसाब से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, बस यही आपका मेथड था। क्वेश्चन आपको समझ में उम्मीद कर रहे हैं कि आ रहा होगा, तो फिर बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हम लोग अब 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आखिरकार ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन दिखने में देखिए बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन है बहुत आसान। अगर आसान कैसे, देखिए समझने का तरीका आपका अगर सही होगा और हम आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश भी करेंगे। देखिए कैसे यहां पे क्वेश्चन में भी सपोज एक हम बात लेके चल रहे हैं, देखिए अगर मान लीजिए कि यहां 2 ठो स्थान है, जगह है, इस जगह से इस जगह जा रहे हैं तो एक फिक्स किराया है, मतलब जाते हैं आप किसी ऑटो से तो अपना किराया ऑटो का किराया लेता है ना, तो मान लीजिए कि ये आपका कोई एक गांव हो गया, ए गांव हो गया, ये आपका बी गांव हो गया, यहां से यहां अगर आप जाएंगे कितना किलोमीटर बीच में है वो हमको नहीं पता है, ठीक है, नहीं क्वेश्चन में दिया है उससे मतलब नहीं है, लेकिन ए गांव से बी गांव में आप जाएंगे तो एक फिक्स किराया होगा, 10 रुपया लेगा तो हर गाड़ी वाला 10 रुपया लेगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद से ये क्वेश्चन कह रहा है इसके वजह से कहीं भी अगर एको किलोमीटर जाइएगा तो किलोमीटर वाइज जोड़ के पैसा लेगा, वो फिक्स रहेगा, कैसे कि 1 किलोमीटर का 4 रुपया तो आप गए होंगे 2 किलोमीटर तो आपको यहां से यहां 8 रुपया देना होगा। मान लीजिए कि यहां से यहां इस ए टोला से बी टोला में जाने के लिए किराया है 20 रुपया, ठीक, आपका घर यहां पे है 2 किलोमीटर, यहां बी टोला से 2 किलोमीटर है,
तो देखिए एक किलोमीटर का किराया अगर लग रहा है 2 रुपया, तो बताइए यहाँ से 2 रुपया इसका और फिर यहाँ से 2 रुपया इसका, 4 रुपया ये और 20 रुपये ये, आपको 24 रुपया देना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा? 24। क्यों? यहाँ से यहाँ का तो किराया फिक्स है 20 रुपया, ठीक है, लेकिन यहाँ एक एक किलोमीटर का किराया कौन कौन रुपया है? 2-2 रुपया। अगर 1 किलोमीटर जाएंगे तो 2 रुपया, फिर 1 किलोमीटर जाएंगे तो 2 रुपया। अगर मान लीजिए कि किसी लड़का का यहाँ पे घर हो, एक एक किलोमीटर का यहाँ पे मान लीजिए कि किसी लड़का का घर हो, तो क्या होगा? सबसे पहले यहाँ अगर लड़का है तो ये तो 20 रुपया फिक्स है, तो इसी को हम लोग फिक्स यहाँ पे चार्ज बोलते हैं, यानी नियत बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? नियत किराया, जो कि फिक्स है, सबके लिए उतना देना पड़ेगा। और यहाँ पहुँचने के बाद, बी पर पहुँचने के बाद एक एक किलोमीटर का किराया 2-2 रुपया लगेगा प्रति किलोमीटर का किराया, लेकिन यहाँ वो भी नहीं दिया है कि 1 किलोमीटर का किराया कितना लगेगा, ठीक है। तो यहाँ एक एक किलोमीटर मान लीजिए 2 रुपया, 2 रुपया 4 रुपया और 2 रुपया 6 रुपया, तो इसका 6 रुपया आइए 20 रुपया, टोटल मिला के इसको 26 रुपया देना पड़ेगा। और यहाँ से अगर यहाँ जाना हो तो 20 2 22 4 24 रुपया यहाँ पे देना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये वाला यही क्वेश्चन यहां पे दिया, एगो फिक्स दिया है और यहां प्रति किलोमीटर का दोनों का किराया जोड़ करके दिया है। जैसे दोनों को यहां से लेकर यहां तक का किराया कितना था? 24, लेकिन यहां पे अलग दिया है। यहां पे पढ़ने के बाद दोनों का किराया यानी फिक्स किराया और प्रति किलोमीटर यानी पर किलोमीटर का किराया दोनों को मिला करके एक जो दिया है 105, और फिक्स किराया और ये वाला किराया मिला करके कितना दिया है? 155। तो पता ये करना है कि यहां से यहां तक 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर का किराया कितना लग रहा है। ये वाला किराया दे दिया है, लेकिन ये वाला किराया आपको पता करना है। यहाँ तो हम बता दिए ना, हम खुद बताएं कि 1 किलोमीटर का किराया कितना रुपया लग रहा है? 2 रुपया लग रहा है, ठीक है। यहाँ निकालना है तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग मानना पड़ेगा। वैसे यही लिखा है, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज। कह रहा है यहाँ पे कि एगो टैक्सी का चार्ज एगो फिक्स चार्ज है, ठीक है। यहाँ से यहाँ दूसरे स्थान से जाने पर 1 रुपया लगेगा, उसके बाद से 1-1 किलोमीटर का हिसाब जोड़ के लगेगा, फिक्स नहीं लगेगा कि 1 किलोमीटर का इतना रुपया है, ठीक है। फिर कह रहा है टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, उसके बाद कैसा चार्ज लगेगा? चार्ज लगेगा जितना दूरी तय करेंगे उसके हिसाब से पैसा लगेगा। और दोनों पैसा मिला के देखिए यहाँ पे, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब देखिए एगो फिक्स किराया यहाँ से यहाँ तक दे दिया है, और उसके बाद कह रहा है कि अगर आप 10 किलोमीटर जाते हैं, यहाँ से कितना जाते हैं? 10 किलोमीटर, ऐसे करके 1 किलोमीटर 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लीजिए कि 10 किलोमीटर ये आप जा रहे हैं, 1 2 3 ऐसे करके 10 किलोमीटर, तो कैसे रुपया निकलेगा? पहले फिक्स किराया जितना होगा वो, फिर उसके बाद से 1 किलोमीटर का किराया कितना लग रहा था, मान लीजिए कि फिक्स किराया को आप एक्स मानिएगा, आप प्रति किलोमीटर के किराए को मानिएगा वाई, तो बताइए कि इसको यहाँ से 1 किलोमीटर का किराया जब वाई होगा तो कितना किलोमीटर गाड़ी गई है? 10 किलोमीटर गई है, तो कितना हो जाएगा? 10y हो जाएगा। आ ये दोनों पैसवा मिला करके, यहाँ से नियत किराया यानी फिक्स चार्ज और यहाँ से 10 किलोमीटर, दोनों को चार्ज मिला करके कितना लगा है? 105 रुपया लगा है। कितना लगा है? 105। तो समीकरण बन गया कि नहीं? माना कि नियत किराया हमारा यानी फिक्स किराया एक्स और प्रति किलोमीटर का वाई, तो 10 किलोमीटर जाना है। प्रति किलोमीटर का मतलब 1-1 किलोमीटर का किराया, ठीक है। यहाँ से अगर 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो कुछ रुपया लगेगा, फिर उसके अगले 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो फिर उतना ही रुपया लगेगा, हर किलोमीटर पर पैसा लगेगा, ठीक है। लेकिन फिक्स में क्या होता है कि उतना रहता है कि यहाँ से अगर दिल्ली जाएगा तो इतने रुपया लगेगा, आप जिससे मन करे वैसे जाइए, ठीक है। लेकिन उसके आगे आप ऑटो अगर पकड़ के जाते हैं किसी दूसरे, मान लीजिए कि आप दिल्ली उतर गए, दिल्ली के बाद ऑटो में कहीं कहीं जाते हैं, तो क्या होता है? हर किलोमीटर का किराया अलग अलग देना पड़ता है। लेकिन यहाँ से जो ट्रेन से जाते हैं तो सबका तो फिक्स होता है ना, आपके पड़ोसी बैठा है उसका भी फिक्स है, आपका भी फिक्स है, ठीक है। तो इस हिसाब से एगो समीकरण ये बना। तो यहां सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? माना कि नियत किराया बराबर एक्स तथा प्रति किलोमीटर किलोमीटर का किराया वाई। प्रश्न से कितना है? तो जब माने हैं तो एक्स प्लस 10y बराबर कितना? 105 रुपया। फिर दूसरा क्या कर रहा है? फिर दूसरा जर्नी में यहाँ पे कह रहा है कि आप तो यहाँ से नियत किराया फिक्स तो गए ही हैं, यहाँ से यहाँ तक गए हैं तो एक्स माने हैं इसको, नियत किराए को 1 रुपया माने, यहाँ से यहाँ जाने पर 1 रुपया देना पड़ रहा है। लेकिन प्रति किलोमीटर माने हैं वाई, तो ये तो 10 किलोमीटर गया था तो 10y हो गया, अगर 15 किलोमीटर जाएगा तो 15y होगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 15y। और दोनों पैसा मिला करके किराया कितना देना पड़ा है? 155।
55 रुपया देना पड़ा है। समीकरण ये हो गया एक, ये हो गया दो। जब आपको दो ठो समीकरण तैयार हो गया तो इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। वो कैसे कीजिएगा आप, तो देखिए ए ओ का मान निकालिए, दूसरे में ले जाकर भर दीजिए, हो गया प्रतिस्थापन विधि। यहाँ समीकरण एक से, समीकरण एक से एक्स का मान निकालिए, तो जिसका मान निकालते हैं उसको अलग छोड़ते हैं, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी पहले क्वेश्चन यहाँ पे समीकरण उतार ले हम 105, एक्स बराबर हो जाएगा 105 आप प्लस में हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा 10y। देखिए अभी नीचे एक और क्वेश्चन दिया है, यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है, नीचे दिया है कि उसके बाद से अगर यहाँ पर एक बार 10 जाना था और एक बार 15 जाना था, ठीक है, यानी एक बार 10 किलोमीटर जाता है, एक बार 15 किलोमीटर, अब कर एक बार 25 किलोमीटर जाना हो, कितना है 25 किलोमीटर, तो फिर वही नियत किराया x, और यहाँ से 25 जाना हो तो क्या हो जाएगा 25y, कितना हो जाएगा 25y, या दोनों को मिला करके आपको जो भी जर्नी होगा वो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू दिया रहेगा तब निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ दो टो हो गया, एक्स का मान ले जाके दूसरे में भर दे, यानी कि एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, ठीक है, जब x का मान आप दो में रखिएगा तो दो नंबर समीकरण क्या है, यहाँ हम लिख देते हैं दो, एक्स प्लस 15y बराबर 155, एक्स प्लस x का मान ही भरना है, x का मान कितना है, x का मान है 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y x का मान भर दिया, प्लस है तो प्लस 15y बराबर में क्या है 155, ठीक है, यही आपको दिया है। अब एक काम करते हैं 105 लिखते हैं, 15y में से 10y जाएगा तो प्लस में 5y बराबर 155 हो जाएगा, 5y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, नंबर को नंबर के पास भेजेंगे, 105 हो जाएगा, 5y इक्वल टू 155 में से 5 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50, ठीक है, ये कटाएगा तो 5 दही या 50, वाई बराबर कितना आया 10। वाई क्या माने हैं आप, प्रति किलोमीटर का किराया क्या माने हैं, वाई माने हैं, यानी वाई बराबर 10, एक किलोमीटर जाने के बाद 10 रुपया लगेगा। अभी नियत किराया निकाले एक्स का मान, यानी कि एक फिक्स किराया होता है, ठीक है, उसके बाद एक एक किलोमीटर पर 10-10 रुपया बढ़ते जाएगा, तो देख लो गया था एगो 10 किलोमीटर तो ऐसे ही निकल जाएगा, एगो 15 गया था। अब देखिए वाई का मान भर दीजिए किसी में, वाई का मान भर दीजिए आप, एक काम कीजिए इसको 3 मान लीजिए, इसी में भर दीजिए, वाई का मान समीकरण आपको तीनों में से किसी में भरोगे निकल जाएगा, समीकरण 3 में रखने पर y का मान 3, यहाँ पे देखिए समीकरण 3 क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y, x बराबर 105 माइनस 10 गुणे y का मान है 10, x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10 नहीं है 100, 105 में से 100 जाएगा तो खाली बचेगा 5, ये आपका किलोमीटर हो गया। तो देखिए नियत किराया आपका 5 रुपये लग रहा है, लेकिन उसके बाद अगर आप एक एक किलोमीटर बढ़ते जाएंगे तो 10-10 रुपया बढ़ते जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए एगो आया एक्स बराबर 5, एगो आया वाई बराबर 10 आपका आया, ठीक है। अब उसके बाद निकालना है यहाँ पर, देखिए हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब कह रहा है कि अगर वह व्यक्ति 25 किलोमीटर जा रहा है, कितना जा रहा है 25 किलोमीटर, तो उसको कितना किराया देना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले तो एक नियत किराया, एक यहाँ से यहाँ तो जाएगा, उसके बाद ना 25 जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा एक एक्स प्लस 25y, ठीक है, नियत किराया आपका ये हो गया, ये आपका मतलब फिक्स किराया ये, आपका प्रति किलोमीटर किराया ये, एक्स का मान कितना आया है 5 आया है आप प्लस 25, वाई का मान कितना आया है, y का मान आपका आया है 10, तो 5 अब प्लस 25 दया 250, 250 अब 5 कितना हो जाएगा 255 रुपया आप इसको देना पड़ेगा, कब, जब ये जाएगा अलग से जाएगा तो, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो एक लैंग्वेज, ठीक है, ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी कि 25 किलोमीटर यात्रा करने में लगा खर्च, आइए वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। कैसे 25 इतना आया, क्योंकि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तो फिक्स है ना, उसके बाद यहाँ से 25 किलोमीटर गया, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ थोड़े पहुँच गया है, ये हो गया आपका x,
इसका पैसा लग रहा है 100 रुपया, आ एक एक किलोमीटर का किराया लग रहा था कितना 10-10 रुपया, आ यहाँ से जाना था 25 किलोमीटर, तो 25 दया 250, आ एक्स का मान कितना आया था 5, तो 250 अब 5 255 हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। भारी नहीं है, बड़ा है, भारी और बड़ा में अंतर होता है। क्वेश्चन बड़ा दिया है तो देख करके डरना नहीं है, ठीक है, इसका सामना करना है, इससे भागते जाएगा परेशानियां बढ़ते जाएगी। तो बिना देर के हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर, ये क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है 5 नंबर, देखिए ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले आपको बता दें फ्रैक्शन यानी भिन्न होता क्या है। बटा को भिन्न कहते हैं, यानी भिन्न किसे कहते हैं, कोई भी नंबर अगर बटा में लिखा है तो ये बटा जो है ना इसी को तो हम लोग भिन्न कहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमेशा किसमें, यानी फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। भिन्न का मतलब अपने भाषा में समझिए तो कहते हैं ना बट्टा का जोड़ हमको सीखना है, तो बट्टा का जोड़ नहीं होता है, आपको शुद्ध बोलना होगा तो बोले कि भिन्न वाला हम लोग को जोड़ सीखना है, ठीक है। तो बट्टा को ही हम लोग क्या बोलते हैं भिन्न बोलते हैं। यहां वही क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रैक्शन यानी एक जो भिन्न है बिकम 9/11, एक जो बट्टा है वो एक 9/11 हो जाता है। कैसे, इफ टू इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, यानी कि कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई संख्या यहां लिख दे 2/3 लिख देते हैं, ठीक है, ये बाद में हो जाता है 9/11। कैसे, जब इसके न्यूमरेटर यानी कि अंश और हर, फिर आपको हम बता दें, मान लीजिए कि कुछ देर के लिए हमको बट्टा कुछ पता नहीं है, तो ऊपर वाला को मान लें x, नीचे वाला को y, इसको हम लोग बोलते हैं अंश यानी न्यूमरेटर, आ इसको बोलते हैं हम लोग हर यानी कि डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें, कितना ऐड कर दें 2 ऐड कर दें, x बट्टा वाई है दोनों में अगर हम 2 ऐड कर दें तो हमारा कितना हो जाता है फ्रैक्शन 9/11 आंसर आएगा, 9/11 हमारा फ्रैक्शन हो जाता है। पहले से कुछ फ्रैक्शन नहीं पता है, ये बोल रहा है कि कौनो फ्रैक्शन दिया है, अगर ऊपर वाला और नीचे वाला में 2 2 ऐड कर दीजिएगा ना तो फ्रैक्शन कितना बदल जाएगा 9/11 हो जाएगा। तो जोड़ने के बाद, तो ये और ये जोड़ने के बाद आंसर तो इधर ही लिखते हैं, यहाँ x के जगह पे कोई नंबर होगा, y के जगह पर कोई नंबर होगा, आ ये नंबर ये जोड़ने के बाद ये 9 आ जाएगा, आ ये दोनों जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो वही पूछा है कि e वाला निकालिए, यहाँ पे कौन सा नंबर होगा अंश में और हर में कौन सा नंबर होगा, ये तो पता है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना कि अंश बराबर x, नहीं पता है तो मानना पड़ेगा, माना कि अंश यानी नॉमरेटर, लेट बी नॉमरेटर इक्वल टू x, माना कि अंश इक्वल टू x तथा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा नहीं हर बराबर हो जाएगा आपका y। तो बताइए भिन्न बराबर क्या होगा, फ्रैक्शन बराबर यानी भिन्न बराबर हो जाएगा x बट्टा y। भिन्न किसको कहते हैं, अंश और हर के बट्टा को हम लोग क्या कहते हैं भिन्न कहते हैं, ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें नॉमरेटर और डिनोमरेटर दोनों में यानी बोथ यानी दोनों होता है, दोनों में क्या ऐड कर दें 2 ऐड कर दें तो वो 9/11 हो जाएगा। देखिए पहले आंसर लिख दिया है कि 9/11 हो जाता है कब, जब 2 ऐड करेंगे दोनों में, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से लिखने के बाद यहाँ हम लोग लिखते हैं एक्स बट्टा वाई, दोनों में हम करेंगे 2 ऐड तो हमारा आंसर आएगा 9/11। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आया, बीच में बराबर तो तिरछा तिरछी गुणा होता है, 11 में दोनों से गुणा करो, 11x 11x + 11 × 22 बराबर 9y 9 × 18। एक जात को एक जगह कीजिए, नंबर को नंबर के पास और ABCD वाले पार्ट को ABCD वाले के पास, 11x ये प्लस में है, एने आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 18 बचा, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 22। 11x - 9y = 18 में से 22 जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में 4, ठीक है, ये आपका समीकरण 1 हो गया, ठीक है। और वैसे ही दूसरा स्थिति में क्या करेंगे, इसी प्रकार दूसरा में क्या बोल रहा है कि 3 इज एडेड टू बोथ नॉमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इफ बिकम 5/6 हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले नॉमरेटर क्या है, एक्स बट्टा में वाई है, ठीक है, इसमें हम लोग को क्या ऐड करना है, दोनों तरफ अगर 3 ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से जब बीच में बराबर हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 6x + ये 6 × 3 = 18 और 5y + 5 = 15। एक जात को एक जगह कीजिए, 5x और माइनस में 6x + माइनस में इतना हो जाएगा और ये 5 - 18 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम, 6x - 5y
15, 18 में से 15 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 3, ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। जब अब समीकरण 1 और 2 मिल गया, यहाँ पे आपका 1 भी मिल गया और 2 भी मिल गया, तो हम लोग को प्रतिस्थापन विधि यूज करना है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है, एक का वैल्यू निकाल के दूसरे जगह भर देना है। यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, 6x बराबर हो जाएगा माइनस 3, ये माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 5y। x बराबर हो जाएगा माइनस 3 प्लस 5y, अब बटा में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये ले जाके हम लोग को किस में, 1 में भर देना है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x समीकरण 1 है आपका 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस में 4 है। 11 को 11 लिखिए, x का मान यहाँ लिखिए माइनस 3 प्लस, इधर लिखते हैं हम, ठीक है, यहाँ देखिए 11 और यहाँ माइनस 3 प्लस 5y और बट्टा में यहाँ दिया है 6 और माइनस में लिखा है 9y इज इक्वल टू माइनस में 4। ये हो जाएगा 11 3 33 और प्लस 11 5 55y और बट्टा में 6 और माइनस में 9y बराबर माइनस 4। बट्टा एक मान के बट्टा का लघुत्तम यानी बट्टा का घटाव कीजिए, ये हो जाएगा 6 माइनस 33 और प्लस में 55y माइनस 9 6 54 बराबर में माइनस 4 माइनस 33। ये घटेगा 9 6 54 हो जाएगा, घटेगा तो हो जाएगा प्लस में आपका हो जाएगा कितना y बट्टा में 6 और ये माइनस में 4। जब बीच में बराबर हो तो तिरछा तिरछी गुणा होता है, माइनस 33 प्लस y बराबर ये हो जाएगा 6 4 24। माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा माइनस 24 और प्लस में 33। वाई बराबर हो जाएगा 33 में से अगर आप 24 को माइनस करेंगे तो 13 में से 4 जाएगा आपका हो जाएगा 9, यानी कि पूरा का पूरा वाई बराबर क्या आया 9। यहाँ देखिए आपका वाई बराबर क्या आया है 9 आया है। अगर वाई बराबर 9 आया तो वाई का मान ले जाके किसी भी समीकरण में भरिए, इसमें भरिए या फिर इसमें 1 2 जो आपका समीकरण में उसमें भरिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए y बराबर आया है 9, तो y का मान समीकरण 1 वाला छोड़ के सब मिटा दिए, y का मान समीकरण 1 में भर दीजिए, y बराबर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4, 11x माइनस 9, y का मान है 9 इक्वल टू माइनस 4, 11x 9 नवा होता है आपका 81 बराबर माइनस 4, 11x बराबर माइनस 4 अब प्लस में हो जाएगा 81, 11x बराबर 81 में से अगर 4 जाएगा तो आपका 11 में से अगर आपको 4 घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 7, 7 हो जाएगा यानी 77 होगा, ये कटाइएगा तो हो जाएगा 11 7 77, x बराबर कितना आया 7, यानी कि जब x बराबर आपका 7 आया और y बराबर क्या आया 9 आया तो भिन्न बराबर क्या आप माने हैं, भिन्न बराबर x बटा वाई माने, तो x के जगह पर 7 और y के जगह पर 9, यानी आपका 7/9 आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, देखिए बहुत ही आसान है, और वैसे भी एज वाला जो क्वेश्चन होता है बहुत आसान होता है और उस एक ही रूल पर चलता है, ठीक है। जब भी बोलेगा कि पिताजी 4 गुना है तो गुना होगा बेटा जी में, ठीक है, और याद रखिएगा हमेशा पिताजी ही बड़े होंगे, ये तो सबको पता होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है 5 years hence, यहाँ पे द एज ऑफ जकाब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, 5 years ago जकाब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, इन्हें इनका वर्तमान आयु क्या होगा। नहीं पल्ले पड़ा, फिर से समझा रहे हैं, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, 5 years hence, ठीक है, द एज ऑफ जकाब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी बोला जा रहा है कि 5 बरस बाद, ठीक है, जकाब की उम्र, मान लीजिए कि एक है ये पिताजी, ये छोटा सा है बेटा जी, ठीक है, बोला जा रहा है कि 5 बरस बाद, अभी जितना भी उम्र है, मान लीजिए कि इनका होगा 20, इनका होगा 5 साल, कुछ देर के लिए मान लीजिए, नहीं कम हो जा रहा है, थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा इनका 25, इनका 5 साल, अब हम बोले 5 साल बाद
तो बताइए 5 साल बाद इनका उम्र कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये भी तो 5 साल बढ़ेगा, और इनका उम्र क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो बाबू 5 तो दोनों में जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि 5 साल बाद ऐसा नहीं है कि एक आदमी का उम्र बढ़ेगा। मान लीजिए कि 5 साल बाद आपका भी तो उम्र बढ़ेगा, आपके पिताजी का भी तो उम्र बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि एक आदमी का उम्र रुका रहेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अभी जितना भी उम्र है उसमें 5 साल बढ़ जाएगा। तो बताइए यहाँ ना जयकाब यानी कि ना पिताजी का उम्र पता है, ना बेटा जी का उम्र पता है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे उनका उम्र, ठीक है। तो देखिए माना कि जैकब की आयु कुछ नहीं पता है, तो मान लीजिए कि अभी जैकब पिताजी हैं, पिता का नाम है जैकब और उनके बेटा का नाम नहीं दिया, बस सन लिखा है। मान लीजिए कि 1 साल के हैं, कितने साल के हैं, 1 साल के हैं, और इनके बेटा भी कुछ होंगे यानी कि, और यहाँ पे पुत्र की आयु, लैंग्वेज अगर बड़ा लिखना चाहते हो लिखिएगा यहाँ पे जैकब के पुत्र की आयु क्या मानिएगा, वाई, ठीक है। अभी ये कुछ देर के लिए अभी प्रेजेंट का एज है, अभी का एज है, अब से 5 साल बाद, तो पिताजी का उम्र 1 है, तो 5 साल बाद जब बोलेंगे तो इसमें 5 जुटेगा, तो क्या बेटा का उम्र नहीं बढ़ेगा, उसका भी तो 5 साल बाद, ऐसा नहीं है कि इसका उम्र रुका रहेगा और पिता का उम्र 5 साल बाद बढ़ जाएगा। यहाँ जब क्वेश्चन आगे ना समझ में आए तो यहाँ लिखिएगा प्रश्न से, ठीक है, 5 साल बाद, तो यहाँ एक्स बराबर में यहाँ लिखिएगा वाई, दोनों में 5 साल जोड़ दीजिएगा, ठीक है। 5 साल बाद कौन हो जाएगा, जो पिताजी हैं, ये पिताजी हैं, अपने बेटे से कितना टाइम्स, कितना गुना बड़े हो जाएंगे, 3 गुना हो जाएंगे, यानी इससे ये 3 गुना हो जाएंगे। आपको बताए थे एज वाले क्वेश्चन में, जब भी बोले कि ये 3 गुना हो जाएंगे तो गुना होगा बेटा में, ठीक है। आखिर ये कार ये क्यों होता है ये भी बता रहे हैं। देखिए जैसे ये बोला ना कि 5 साल बाद ये 3 गुना हो जाएंगे, तो जैसे इसमें हम 5 जोड़े तो ये ऑलरेडी 3 गुना हो चुके हैं। तो बिचवा में आप का दिए हैं, बराबर दिए हैं, तो बराबर दिए हैं, 5 साल बाद ये 3 गुना हो गया, तो 3 से इधर गुना करेंगे तभी तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। या फिर ऐसे आप याद रखिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि पिताजी का उम्र X था, बेटा का उम्र Y था, 5 साल बाद तो दोनों में 5 साल बढ़ गया। जैसे बोले कि पिताजी 3 गुना होंगे तो गुना बेटा जी में होगा, ठीक है। इक्वेशन तैयार करने का यही तरीका है, X प्लस 5 ये हो जाएगा आपका 3Y, अब प्लस में हो जाएगा आपका 3×5=15। एक जात को एक जगह कीजिए, ABCD वाला को एक लगा लगे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में, इधर आ जाएगा तो प्लस, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, पास में आएगा ये प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा 5x-3y, 15 में से 5 जाएगा, हो जाएगा 10, समीकरण 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, 5 years ago यानी 5 साल पहले जैकब का उम्र, ठीक है, अपने बेटे से 7 गुना था, कितना था, 7 गुना था। 5 साल बाद का बात नहीं है, 5 साल पहले का बता रहे। यहाँ का था इनका वर्तमान एज कितना था, यहाँ पे लिख सकते हैं माना कि जैकब की वर्तमान आयु, ठीक है, यहाँ वर्तमान आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे अभी प्रेजेंट है यानी वर्तमान में इनका उम्र X है, इनका उम्र Y है, 5 साल बाद किए तो आपका रिजल्ट ये मिला। अब बोल रहा है 5 साल पहले, तो मान लीजिए कि अगर जैकब की उम्र 25 वर्ष था, 5 साल बाद हम किए तो हो गया 30 वर्ष, लेकिन जैकब की उम्र अगर 25 वर्ष है और 5 साल पहले इनका कितना होगा, 20 साल के होंगे, तो 5 घटाएंगे ना, वैसे ही अभी ये उम्र X वर्ष के हैं, तो 5 साल पहले कितना होंगे, तो उम्र को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ लिख रहे हैं हम 5 वर्ष पूर्व जैकब तथा जैकब की आयु कितना हो जाएगा, X माइनस 5, और यहाँ पे यही लिखिएगा 5 वर्ष यानी 5 years 5 वर्ष पूर्व जैकब की पुत्र, जैकब के पुत्र की आयु, इनका भी तो 5 साल पहले कम होगा ना 5 years, तो Y था तो Y माइनस 5। फिर यहाँ लिखिएगा प्रश्न से, या इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार क्या हो जाएगा दोनों को। अब बोल रहा है कि 5 साल पहले पिताजी 7 गुना है, तो जब बोले पिताजी 7 गुना है तो गुना बेटा जी में होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, X माइनस 5 बराबर वाई माइनस 5, गुना कीजिए इसमें 7, क्योंकि पिताजी 7 गुना है, तो ये हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, X माइनस 5 बराबर 7y और माइनस 7×35, ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है दोनों में गुना होता है। एक जात को एक जगह चूज कीजिए, यहाँ होगा X माइनस 5, देखिए x
ये प्लस में है एन आएगा तो हो जाएगा माइनस में, और इधर माइनस 35 ये हो जाएगा माइनस में, इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका प्लस में 5, ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस 7y, और 35 में से 5 जाएगा तो माइनस में 30, समीकरण हो गया आपका ये 2। समीकरण 1 पता हो गया, समीकरण 2 पता हो गया। अब प्रतिस्थापन विधि से मान निकाल लेना है, ए ओ का मान निकाल के दूसरे में भर देना है। यहाँ लिखिएगा प्रतिस्थापन विधि ऐसे करके, यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 से, एक को सॉल्व करते हैं दूसरा अपने से। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 10। अब प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है, जबरदस्ती ए का वैल्यू निकालिए और दूसरा में भरिए, कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालिए, तो जिसका वैल्यू निकालते हैं उसको अकेले रखते हैं, तो अकेले कैसे होगा, इसको हटा दे तभी तो अकेले हो जाएगा। माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, x बराबर 10 प्लस 3y, x का मान निकल गया, ले जाके इसमें भर दीजिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30, एक्स का वैल्यू क्या है 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर में हो जाएगा माइनस 30, 10, 7 में से जब आपका 3 जाएगा तब बचेगा माइनस में 4y। माइनस में क्यों, क्योंकि बड़ा वाला में से घटाते हैं छोटा वाला, अब बड़ा वाला का जो सिंबल होता है वही यहाँ पे देते हैं, बड़ा वाला 7 है इसीलिए ये दिए हैं। इक्वल टू माइनस में हो जाएगा 30, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में माइनस 4y बराबर हो जाएगा आपका माइनस 30, अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 10। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे, यहाँ ठीक है माइनस 4y, माइनस 30 और माइनस 10 हो जाएगा माइनस 40, माइनस से माइनस खत्म, 4 दहियाँ हो जाएगा 40, आपका वाई बराबर क्या आया, वाई बराबर आपका आया 10। जब y बराबर 10 तो x का मान कैसे निकलेगा, यहाँ एक काम कीजिए, या तो इसमें ले जाकर भरिए ना तो समीकरण 1 2 में भरिए, ना तो 1 में भरिए, किसी में भरिएगा आपका आ जाएगा। इसको भी एक समीकरण मान सकते हैं, समीकरण 3। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा, इसके बाद देखिए y बराबर यहाँ लिख देते हैं, y बराबर क्या है 10 है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर जल्दी आ जाएगा, रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 है x बराबर 10 प्लस 3y, x बराबर 10 प्लस 3, y का मान है 10, x बराबर 10 30 और 10 40। यहाँ देख लीजिए इन लोगों का प्रेजेंट एज निकल गया। ठीक है, x क्या माने हैं, जैकब की वर्तमान आयु यानी कि जैकब की आयु माने हैं x, तो जैकब है 40 साल के, x है तो 40 साल के, इनका बेटा जी कितना है y माने हैं ना, तो y का वैल्यू 10 है, तो कितना है इनका बेटा 10 साल के हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और ये आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। इससे पहले वाला एक्सरसाइज जो 3.2 है, 3.1 है, 2 लेसन है, 1 लेसन है, बहुत ही डीपली और आसान तरीके से समझ में आया, जाकर के प्लेलिस्ट चेक कीजिए, और उसमें जितना क्वेश्चन है लाइन बाय लाइन देखते जाइए, आई गारंटी कि आपको उसमें 9 मैथमेटिक्स में आप दिमाग में 95 प्लस आपका आएगा ही आएगा, क्योंकि मैथ बहुत आसान होता है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, हर एक क्वेश्चन आपको डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझ में आएगा। तो मिलेंगे हम लोग फिर अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जय हिंद।